नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज है हमारे पास Redmi Note 11 और हम करने जा रहे हैं इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग। बताएंगे आपको बॉक्स में क्या क्या मिलता है, फ़ोन के साथ क्या क्या फीचर आपको मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले बॉक्स कंटेंट के साथ। बॉक्स के ऊपर MI की ब्रांडिंग इंडियाज नंबर 1 और बॉक्स के नीचे Redmi Note 11 आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। बॉक्स के इस साइड में क्या क्या लिखा हुआ है वह आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। बॉक्स के बैक साइड में आपको डिस्प्ले, कैमरा, प्रोसेसर, बैटरी और स्टोरेज के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन लिखे हुए मिल जाएंगे। दोस्तों प्राइस की बात करें तो आप इस फ़ोन को 13,500 रुपये में मार्केट से या ऑनलाइन से खरीद सकते हो। तो चलिए दोस्तों करते हैं इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग और देखते हैं इस फ़ोन में क्या क्या आपको इनबॉक्स आइटम देखने को मिलता है। बॉक्स को ओपन करते ही आपको एक छोटा सा और बॉक्स मिलता है जिसमें आपको सिम इजेक्टेड टूल्स, कुछ पेपर गाइड्स और एक नॉर्मल सा बैक कवर आपको देखने को मिलता है। इसके बाद बॉक्स में आपको मिलता है ब्रांड न्यू Redmi Note 11 फ़ोन। दोस्तों इसको रखते हैं साइड में। इसके बाद आपको एक चार्जर मिलता है जो कि 33 वाट फास्ट चार्जर के साथ सपोर्ट करता है और एक USB टाइप सी आपको केबल मिलती है। दोस्तों बॉक्स के साथ बस इतना ही इनबॉक्स आइटम आपको यूज़ करने को मिलता है। डिज़ाइन की बात करें तो बैक साइड पर आपको कुछ इस तरह का डिज़ाइन देखने को मिलेगा। इसके बैक साइड पर प्लास्टिक फ्रेम और प्लास्टिक बॉडी मिलती है। इसके अलावा इसके साइड पर से यह थोड़ा सा आपको कर्व डिज़ाइन में देखने को मिलेगा। दोस्तों फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो इसके बॉटम साइड पर आपको स्पीकर, चार्जिंग पोर्ट और एक माइक देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके राइट साइड पर आपको वॉल्यूम बटन और पावर बटन देखने को मिलता है। दोस्तों बता दें कि इसके पावर बटन में ही फिंगरप्रिंट सेंसर को इनबिल्ट किया गया है। अब इसके टॉप पर आपको 3.5mm जैक, डुअल स्पीकर और एक सेकेंडरी माइक देखने को मिलता है। तो वहीं इसके लेफ्ट साइड पर आपको डुअल सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसके बैक साइड पर आपको Redmi की ब्रांडिंग और कैमरा सेंसर आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। इसके फ्रंट साइड में आपको ऊपर की ओर पंच होल डिजाइन में फ्रंट कैमरा सेटअप और गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है। दोस्तों डिजाइन और फिजिकल ओवरव्यू के बाद इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको MIUI 13 वर्जन मिलता है और इसके अलावा यह Android 11 पर रन करता है। स्टोरेज की बात करें तो दोस्तों यह दो स्टोरेज वेरिएंट में आता है। इसमें 4GB रैम के साथ आपको 64GB का स्टोरेज मिलता है, 6GB रैम के साथ इसमें आपको 128GB स्टोरेज मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.43 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड स्क्रीन मिलती है जो कि 90Hz के रेफ्रेश रेट के साथ आती है। एमोलेड स्क्रीन होने के कारण दोस्तों इसमें आपको बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी देखने को मिलेगी। प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर और एड्रेनो 610 GPU मिलता है। हैवी गेम्स की बात करें तो दोस्तों आप इसमें PUBG, फ्री फायर और कार रेसिंग जैसे कई हैवी गेम्स आप इसमें प्ले आसानी से कर सकते हो। बैटरी की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है जो कि 33 वाट फास्ट चार्जर के साथ सपोर्ट करती है। कैमरा सेटअप की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें प्राइमरी कैमरा 50MP का, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का डेप्थ कैमरा और 2MP का आपको मैक्रो लेंस मिलता है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 13MP का एक फ्रंट कैमरा मिलता है। स्पेसिफिकेशन के बाद इसके कुछ स्पेशल फीचर्स की बात करें तो दोस्तों इसके डिस्प्ले में आपको लाइट मोड और डार्क मोड का ऑप्शन मिल जाता है। इन दोनों में से आप जिसे भी पसंद करके अपनी डिस्प्ले पर लगाना चाहते हैं उसको लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको एक रीडिंग मोड भी मिलता है। इसे ऑन करके दोस्तों आप अपनी आंखों पर पड़ने वाले इफेक्ट को बचा सकते हो। इसके अलावा डिस्प्ले में आपको रेफ्रेश रेट का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप यहीं से अपने रेफ्रेश रेट को चेंज भी कर सकते हो। डिस्प्ले के नीचे की ओर दोस्तों इसमें आपको एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी मिल जाता है, यदि आप इसे ऑन करना चाहते हो तो यहीं से आप इसे ऑन भी कर सकते हो। प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको MI पे, MI स्टोर, नेटफ्लिक्स, थीम्स स्टोर, इसके अलावा भी कई सारे प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आपको इसमें यूज़ करने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।